लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण विभाग की 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इन परियोजनाओं का शिलान्यास पूरे देश में डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग ने आज अनेकों परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सबसे पहले डिप्टी सीएम ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीद 40 जवानों में 12 जवान उत्तर प्रदेश के शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवार वालों के लिए लोक निर्माण विभाग ने 4,95,00,000 की धनराशि एकत्र की है। सबसे पहले तो 14 फरवरी को जो एक पुलवामा में बड़ी घटना घटी थी, जिसमें आतंकी हमले में हमारे 40 की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों का बलिदान हुआ था। उसके बाद की घटनाक्रम को दोहराने की आवश्यकता नहीं, उससे आप सब अवगत हैं। 40 जवानों में से 12 जवान उत्तर प्रदेश के थे। घटना के बाद विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करने की स्थिति में यह निर्णय हुआ कि लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी से लेकर के अधिकारियों तक का हमने विचार किया था, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि उसमें जो 3 क्लास और 4 क्लास के भी जो कर्मी हैं, उन लोगों ने भी अपने एक दिन का वेतन ऐसे बलिदानी परिवारों के लिए देने का निर्णय लिया और वह रकम 4,95,00,000 की है, जो ऐसे बलिदानी परिवार को लोक निर्माण विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से जो मिला है, उन परिवारों को यह मदद पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता वी के सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा 4600 से ज्यादा गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 5,423 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, वो दो तरह की चीजों का किया। एक तो किया ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण। ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण में 510 सड़कें हैं जिनकी लंबाई है 1,006 किलोमीटर। उनका सभी जनपदों के अंदर माननीय एमपी और एमएलएस के द्वारा शिलान्यास किया गया और वही डिजिटल शिलान्यास हमने यहां पर कराया है। इसी तरह से विशेष मरम्मत और सामान्य मरम्मत में पहली बार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने, जो अगले साल 19-20 में हम किलोमीटर सेंक्शन करते, होता क्या है कि वो किलोमीटर कई बार बरसात सितंबर अक्टूबर तक सेंक्शन होते रहते हैं और उन कमज़ोर सड़कों पे जब बरसात निकलती है तो और गड्ढे बन जाते हैं। तो निर्णय ये हुआ कि जो भी काम हमें 1 अप्रैल से प्रारंभ करना है उसको हम अभी सेंक्शन कर देंगे, काम हम बाद में कराते रहेंगे। वो कुल मिला के 18,062 किलोमीटर उसके हैं और उसमें लगभग 11,000 सड़कें हैं, उनकी कॉस्ट है लगभग 2,262 करोड़ रुपए। और ये प्रथम बार हुआ है कि हमने सारा सिस्टम अपना ऑनलाइन बनाया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में परियोजनाओं के शिलान्यास ने तेजी पकड़ ली है। देखना होगा ये परियोजनाएं वक्त पर पूरी हो पाती हैं कि नहीं। फिलहाल सरकार के काम में तेजी प्रदेश की जनता के लिए शुभ मानी जा रही है। नेशनल वॉइस के लिए लखनऊ से आशीष सिंह की रिपोर्ट।